प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप पढ़ते जाओ। आप अपने पास्टर के बारे में शिकायत करते हो, आप अपने अगुओं को अंदर से देखते हो और आपको ऐसा लगता है इसमें ये बुरी बात है, वो बुरी बात, आप उसमें गलती निकालते हो। अगर वो आपको मिलने के लिए नहीं आया तो भी आप चिल्लाते हो, मिलने के लिए आता है, ऐसा कोई पास्टर होता है, ऐसा कोई परमेश्वर का दास होता है। अगर उसने आपके लिए प्रार्थना के लिए वक्त पर नहीं पहुंचा तो अभी आप चिल्लाते हो आए नहीं, ये वो। लेकिन आज मैं आपको ये बताना वाला हूँ कि एक विश्वासी जो होता है उसका फ़र्ज क्या होता है, एक जो चेला होता है वो चेले के अंदर कौन से गुण होते हैं। आप अगर चेले हो तो आपके अंदर वो गुण है, चेले के अंदर कौन से गुण होने चाहिए और एक अगुआ क्या करता है और क्या कर सकता है और कितना वो करता है और उसको क्या करना चाहिए, वो सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं। और जब हम इकट्ठा होते हैं तो एक हमारा अगुवा होता है और हम अगुवा के पीछे चलने वाले लोग एक विश्वासी लोग चेले लोग होते हैं। और एक चेला और एक अगुवा जो होता है तो उनके बीच में कैसे संबंध होने चाहिए और जो चेले लोग होते हैं उनको अपने अगुओं के साथ किस तरह से रहना चाहिए और बाइबल इस बारे में हमको क्या सिखाती है वो जानने की बहुत ज़रूरत है ताकि हम समझ पाए कि परमेश्वर का वचन वो क्या कहता है और हम लोग किस तरह से जीवन जी रहे। और जहाँ कहीं पर हमारी गलती होती है तो परमेश्वर के वचन से वो गलती हमारी दूर करते हैं हमारे परमेश्वर, अगर हम उसको मान ले तो। एक बार चेले लोग आपस में बात कर रहे थे और मत्ती उसका 20वां अध्याय उसके 26वें वचन में लिखा है, परंतु तुम में ऐसा ना होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। कि चेले आपस में बात कर रहे थे कि हमें बड़ा कौन, मतलब चेले लोगों का ऐसा हुआ कि हम लोगों में बड़ा कौन है। तो प्रभु सुने उनकी बात समझ ली और उन लोगों को बोला कि क्या आप ऐसी बातें क्यों करते हो, हमें बड़ा कौन, बड़ा बनना चाहते हो तो बोले सभी के दास बन जाओ, बड़ा बनना चाहते हो तो दूसरों की सेवा करो। ध्यान से समझना, चेले वो है कि जिनके अंदर ये बात नहीं आनी चाहिए। प्रभु यीशु के चेलों में ये बात आई हमें बड़ा कौन, तो परमेश्वर ही नहीं बोला कि ये बड़ा वो बड़ा कि पतरस बड़ा यूहन्ना बड़ा, ऐसा प्रभु ने नहीं बोला। प्रभु ने तो उनको डांटा क्यों ऐसी बातें करते हो, बड़ा बनना चाहते हो तो दूसरों की सेवा करो और दूसरे के दास बनो। जो बड़ा बनना चाहता है वो दूसरे का क्या बने, दास बने। अगर चेले में ये बात आती है कि हमें बड़ा कौन, जब हम संगति में इकट्ठा होते और अगर किसी के दिल में ऐसी बात आती है कि हमें बड़ा कौन या मैं बड़ा, तो समझो चेले वाली बात उसमें नहीं है, वो चेला नहीं हो सकता। उसमें परमेश्वर के वचन वो सही से काम नहीं कर रहे। और फिर भी देखो प्रभु सुने पतरस को तो बड़ा बनाए, पतरस को बोला ना पतरस तेरे ऊपर मैं मंडली बनाऊंगा और पतरस को सभी का अगुआ बनाया कि नहीं। तो प्रभु सुने किसको पूछकर पतरस को अगुआ बनाया, प्रभु सुने किसी को पूछा, तो अगुआ वो है किसी को पूछता नहीं है, उसको पूछने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी को ऊंचाई के ऊपर ले जाना है या किसी को कोई पद देना है अगुआ नहीं पूछने वाला। चलो 11 चेले बाकी बचे, क्या उन लोगों ने प्रभु यीशु को बोला क्यों पतरस को बनाया, जब हम बात कर रहे थे कि हमें बड़ा कौन तो आपने डांटा और अभी पतरस को सबसे बड़ा क्यों बना दिया, उन लोगों ने भी नहीं बोला। तो अगर अगुआ किसी को कोई पोस्ट देता है, किसी को कोई काम देता है, तो चेले वो है जो पूछते नहीं हैं क्यों ऐसा किया। लेकिन अगर उसके मन में सवाल आता है तो समझ लो वो चेला भी नहीं है, उसके अंदर ये बात आनी ही नहीं चाहिए।
अगर किसी को कोई पद दिया और किसी के अंदर नाराजगी आई तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर चेले वाली बात नहीं है, चेले का गुण उसके अंदर नहीं है। प्रभु यीशु को लोग दान देते थे तो प्रभु यीशु ने क्या किया था, एक थैली रखी थी, लेकिन थैली किसको दी थी, यहूदा इस्करियोती को दी थी। और अगर कोई प्रभु यीशु को दान देना चाहता होता था तो प्रभु यीशु बोल देते यहूदा है ना उसको दे दो, वो अपने पास रखेंगे। और यहूदा इस्करियोती वो प्रभु यीशु के खजानची थे। प्रभु यीशु को अगर पता नहीं है, वैसे वो सब कुछ जानते थे, लेकिन समझ लो एक इंसान अगवा, अगर उसको नहीं मालूम कितना दान आया, लेकिन यहूदा इस्करियोती को पता होता था। और यहूदा इस्करियोती कैसे थे मालूम है, चोर थे वो, प्रभु यीशु का दान चोरी कर लेते थे। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु की मर्जी, चोर था तो क्या है, प्रभु यीशु की मर्जी, प्रभु यीशु ने उसको खजानची बना दिया। तो ये प्रभु यीशु की मर्जी है। और देखो किसी ने पूछा नहीं प्रभु से ऐसे को क्यों देते हो दान। तो अगुआ अपनी मर्जी से किसी को कोई भी काम दे वो उसकी मर्जी। और चेले का गुण ये है उसको पूछना नहीं है इसको ये क्यों दिया, इसको वो क्यों दिया। और अगर उसके मन में ऐसे सवाल आते हैं तो समझ लेना कि वो चेला भी नहीं। और प्रभु यीशु किसी को पूछ कर ये काम नहीं करते। एक बार 12 चेलों ने प्रभु यीशु को बताया, लुका उसका 9वां अध्याय और 49 और 50 में लिखा है, तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हमने उससे मना किया क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। यीशु ने उससे कहा, उसे मना मत करो क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी ओर है। उन लोगों ने प्रभु यीशु को बोला कि यीशु रास्ते में जब हम आ रहे थे ना तो कि इंसान था वो भूत प्रेत निकाल रहा था और भी प्रभु यीशु आपके नाम से निकाल रहा था। तो मैंने तो हम लोगों ने उसको मना कर दिया, तू क्यों निकालता है, चेले तो हम लोग एक और हम प्रभु यीशु के पीछे चलते, तू क्यों निकालता है, मना कर दिया। प्रभु यीशु ने बोला देखो जो हमारे विरोध में नहीं तो समझ लो वो हमारे साथ में ही है और मना करने वाले आप लोग कौन, आपको मना नहीं करना है। तो चेले लोगों में ईर्ष्या आ गई, कोई और काम करता था तो प्रभु यीशु के चेलों को ईर्ष्या आ गई कि ये क्यों भूत प्रेत निकालता है, ये चेले का गुण नहीं है। अगर चेले को किसी के ऊपर ईर्ष्या आती है, इसको पद दे दिया या तो ये काम कर लेता है वो काम कर लेता है, अगर ऐसा होता है तो समझ लेना कि वो चेले का गुण नहीं है। तो चेले को ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए। अगर किसी को मना करना होगा तो अगवा कर देगा मना कि भाई साहब ये काम तुझे नहीं करना है, लेकिन और किसी को किसी के बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगवा अगर चाहे तो अपने जितने भी विश्वासी, ध्यान से समझ लेना आज, अगवा अगर चाहे तो जितने भी विश्वासी है उससे कोई भी बात गुप्त रख सकता है। अगर उसकी मर्जी में आता है कि मुझे किसी को नहीं बताना तो ऐसा कर सकता है। प्रभु से एक बार सामरिया से होकर जा रहे थे और वहाँ पर याकूब का कुआं था, तो प्रभु उसने 12 के 12 चेले को बोला जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। 12 को वहाँ से भेज दिया। कारण क्या था, वहाँ पर एक स्त्री आने वाली थी, स्त्री खूबसूरत थी, जवान थी और प्रभु यीशु को उसके साथ बातें करनी थी और प्रभु यीशु को उसके साथ अकेले में बात करनी थी क्योंकि प्रभु यीशु को मालूम था कि स्त्री को बचाना है। ये व्यभिचार में फंसी हुई है, इसने 5-5 पति कानूनी किए और अभी छठे के साथ ऐसे ही रहती है, किसी भी तरह से इसको बचाना है। तो जवान लड़की है, खूबसूरत है, व्यभिचार में फंसी हुई है, छुड़ाने में कुछ वक्त लगेगा, इसलिए चेले यहाँ पर नहीं चाहिए, हटाओ सभी को। तो सभी को वहाँ से भगा दे जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ मुझे भूख लगे। और प्रभु उसने उस सामरी स्त्री के साथ बात की और प्रभु उसने सारे चेले को खाना लेने के लिए भेज दिया।
यूहन्ना 4 उसका 8वां वचन, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। तो प्रभु ने सभी को साथ में ही खाना लेने के लिए भेज दिया। अभी क्या हुआ, जब वो लोग खाना लेकर आए तब तक प्रभु की बात हो चुकी थी और स्त्री ने प्रभु को ग्रहण कर लिया था और सारे पापों से वो आज़ाद हो गई थी। अभी किसी को ये सोचने की ज़रूरत नहीं, मुझे क्यों नहीं बताया, मेरे से बात गुप्त क्यों रखी, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं। वो अगुवे की मर्जी है कि कब कौन सी बात सभी से गुप्त रखनी है। अभी क्या हुआ, चले आए, बोले यीशु खाना तो खा लो, खाना खा लो। तो चेलों ने बोला खाना खाओ, तो प्रभु उसने मना कर दिया। यूहन्ना 4 और उसके 33 वचन में, तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई इसके लिए कुछ खाने को लाया है? प्रभु उसने बोला, मेरे पास खाना है जिसके बारे में तुम लोग नहीं जानते। बोलो खाना क्या है? बोले मेरे परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना, वही मेरे लिए खाना है। अभी चेले को अंदर सोच आई कोई खाना लेकर आया होगा। अभी वहाँ पर एक स्त्री थी बस, तो सोच ही आई ये स्त्री लाई होगी, इसको मालूम था यीशु आने वाले। क्या यीशु मसीह पहले से इससे बातचीत कर रखी थी? क्या प्रभु यीशु ने इसलिए हमको भगा दिया था? चाहे जो भी सोचा है गलत, लेकिन ये चेले का गुण नहीं है कि सोचा तो सही, इसके लिए कोई खाना लाया होगा। अगवा छुपा कर कुछ भी करे, किसी को कुछ भी ना बताए, वो अगवा है, वो बेहतर है, चेरों से बेहतर है। इसे उसको मालूम है कब क्या करना चाहिए, लेकिन अगर उसके बारे में किसी को गलत ख्याल आते तो चेले का गुण नहीं है, क्योंकि प्रभु उसने बोला है कि चेला कभी भी अपने गुरु से आगे नहीं निकल सकता। अगर उसकी समानता में भी आ जाए बहुत है उसके लिए, लेकिन उसके आगे तो वो निकल नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने मना किया है कि उसके बारे में गलत नहीं सोचना है। एक बार बड़ी भीड़ में किसी ने प्रभु यीशु को आवाज़ दी, ए यीशु मैं आपके पीछे आऊँगा, क्योंकि उसने देखा कि बहुत लोग प्रभु यीशु के पीछे आ जा रहे, तो कुछ तो मिलता होगा। और देखी भीड़ कि इतनी सारी भीड़, और कई लोग तो जो चेले लोग थे वो तो कारोबार छोड़कर, जॉब छोड़कर, परिवार छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे चल पड़े थे। इसलिए इसको लगा कि बहुत माल मिलता होगा यहाँ से, हो सकता है उसके पास घर नहीं होगा और घर की ज़रूरत होगी। तो प्रभु से बोला, प्रभु यीशु मैं आपके पीछे आऊँगा। प्रभु ने बोला, आना तो सर रखने की भी जगह नहीं है मेरे पास। उसके विचार समझ लिए प्रभु से, मेरे पास सर रखने की जगह नहीं, वापस चला गया। चेले को अपने अगुवे के पीछे लोभ और लालच से नहीं जाना है। लोभ और लालच से अगर अगुवे के पीछे जाता है तो वो चेला नहीं है। लुका उसका 9वां अध्याय 57 और 58, जब वे मार्ग में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्रों को सिर रखने की भी जगह नहीं। कि ये इंसान प्रभु के पीछे घर के लिए लालच से वो जाना चाहता था, लेकिन चेले को इस तरह से नहीं जाना है। वहाँ पर एक लड़का और खड़ा था, तो प्रभु ने उसको बोल दिया, चल तू मेरे पीछे हो ले। अभी इसने देखा जब सर रखने की जगह है तो उसके पास जाना क्यों, तो उसने बहाना बता दिया कि प्रभु मेरा बाप मर गया, उसको दफन कर कर आता हूँ। लुका उसका 9वां अध्याय 58, 59, 60। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूँ। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दें, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। उसमें बात लिखी कि मेरा बाप मर गया। अरे बाप मर गया तो भीड़ में क्या कर रहा था तू? तो सही में इसका बाप नहीं मरा था, लेकिन इसने बहाना बताया। चेले को अपने अगुवे के सारे काम करने हैं। अगुवा कोई भी काम देता है तो चेले को बहाने बताए बिना करना है, ये चेले का गुण है। जो बहाना बताता है अपना अगुवे को वो चेला नहीं है। और फिर एक और था वहाँ पर, उसने भी प्रभु से बोला कि प्रभु मैं तो आपके पीछे आऊँगा, बस आखिरी बार मैं मेरे घर जाता हूँ, मेरे माता पिता को सलाम कर आता हूँ।
Luke 9:61-62। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो जाऊँ। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। और इसने बोला, बस आखिरी बार मिलकर आता हूँ, सलाम कर आता हूँ कि जा रहा हूँ मैं मेरे यीशु के पीछे। उसको मालूम था एक बार यहाँ से तो निकलो, यहाँ पर भी इज्जत बन जाएगी और घर पर जाकर कौन सा वापस आना है। लेकिन प्रभु उसने बोला, हल पर हाथ रखने के बाद जो पीछे मुड़ कर देखता है वो मेरे योग्य नहीं। मतलब प्रभु से कहना चाहते हैं कि अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, ध्यान से समझना, अपने माता पिता को छोड़कर, अपने भाई बहनों को छोड़कर पहले अपने अगुए का काम करो। अगुए का काम है और आपके घर में भी काम है तो घर वालों को मना कर दो, अभी नहीं होगा, पहले ये काम करूँगा, बाद में मैं आप लोगों का काम करूँगा। और फिर Luke 14:26 में लिखा है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रभु उसने बोला कि जो कोई मुझसे ज़्यादा अपने माता पिता को, भाई बहन को, बच्चों को, पति को, पत्नी को जो प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं, जो इनसे बैर नहीं रखता वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो प्रभु उसे बैर रखने की बात नहीं कर रहे कि इनसे बैर रखो, मतलब प्रभु उसका का कहना ये है कि पहले मैं और बाद में ये लोग। तो सारे रिश्तेदारों से जो चेला होता है उसको सबसे पहला स्थान अपने अगुए को देना है, अपने रिश्तेदार बाद में, लेकिन अगुआ वो पहले। ये प्रभु यीशु वहाँ पर सिखा रहे थे। और एक बार प्रभु यीशु ने बोला कि देखना, चरवाहा पकड़ा जाएगा, उनको मार देंगे और भेड़ बिखर कर भाग जाएगी। Matthew 26:35 उसके 35 वचन में लिखा है, पत्रस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। और चेलों ने ऐसा कहा, पहले तो पत्रस ने बोला कि यीशु, मुझे चाहे मरना भी पड़े, मैं मरने के लिए तैयार, लेकिन मैं आपको छोड़ कर नहीं जाऊँगा। और सारे चेलों ने यही कहा, चेले वो है जो अपने अगुए के लिए मरने तक की तैयारी रखता है, वो है चेला, तभी अगुआ काम कर सकता है। अगर चेले ऐसे ना होना तो अगुआ भी बेचारा कुछ नहीं कर सकता, वो भी काम नहीं कर सकता। प्रभु से कितनी बड़ी जिम्मेदारी अपने चेलों के ऊपर रख कर गए, मैं जा रहा हूँ लेकिन आप लोग क्या करो, सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ। आज देखो सभी देश में प्रभु यीशु का नाम है कि नहीं, काम किसने किया, चेलों ने किया। लेकिन ये चेलों के गुण है, ऐसे चेले ना हो ना अगुआ भी बेचारा आगे नहीं बढ़ पाता, उनमें से ही बाहर नहीं आता, तो फिर बाहर कब जाएगा, वो नाम कैसे फैलाएगा। तो चेले भी ऐसे होने चाहिए जैसे बाइबल में लिखा है, तो अगुआ सही रीति से काम कर सकता है। अगर ये गुण ना हो तो सारे गुण को अपने अंदर लेकर आओ ताकि अगुआ अच्छी तरह से काम कर सके। हालेलुया।